बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले अभिनेता रणबीर कपूर ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली है और उन्हें अपनी पत्नी बना लिया है, जिनसे रणबीर कपूर शिद्दत वाला प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी रणबीर कपूर अपनी पत्नी की 4 फिल्मों को देखना पसंद नहीं करते हैं? अगर नहीं जानते तो आज हम आपको आलिया भट्ट की उन 4 फिल्मों के बारे में ही बताने वाले हैं जिन्हें रणबीर कपूर पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, टू स्टेट्स। साल 2014 में आई फिल्म टू स्टेट्स काफी हिट रही थी, जिसमें आलिया को काफी पसंद किया गया था। पर यह फिल्म आलिया के पति रणबीर कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में आलिया के काफी ज्यादा बोल्ड सीन थे, जिन्हें देखकर रणबीर कपूर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि वो इस फिल्म को कभी नहीं देखना चाहते। नंबर 2, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। साल 2017 में आई फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक एवरेज मूवी रही थी, मगर इस फिल्म में आलिया और वरुण धवन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। पर यह जोड़ी और ये फिल्म रणबीर कपूर को कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि रणबीर कपूर वरुण धवन से थोड़ा जेलस फील करते हैं, इसीलिए जब भी वो आलिया को वरुण के साथ देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए रणबीर को ये फिल्म पसंद नहीं आई। नंबर 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। साल 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर रणबीर कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी रणबीर कपूर को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। यही वजह है कि रणबीर इस फिल्म को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नंबर 4, हाईवे। साल 2014 में आई आलिया भट्ट की हाईवे फिल्म काफी हिट रही थी, मगर ये फिल्म रणबीर कपूर को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस फिल्म में आलिया का कैरेक्टर और उनका नो मेकअप लुक अच्छा नहीं लगा। यही वजह है कि रणबीर कपूर इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद है और कौन सी नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।